डाइस पर मौजूद तमाम वीआईपी के सामने बैठे भाइयों और बहनों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जगत सर्कल पर फिर से इसलिए जमा हुए हैं एनआरसी और सीएए को लेके, क्योंकि ये हर हिंदुस्तान के कोने कोने में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं विठल दर्जन साहब को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल किए बगैर ये इतना बड़ा जलसा रखा है यहाँ पे। और इससे पहले भी जब हमारा 18 को जो बेटी का धरना था, उसमें भी आपने आकर, आप और शनप्रकाश साहब ने, डॉक्टर शनप्रकाश साहब आकर यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर साहब के मुजस्मे पे हार डाल के ये प्रोग्राम शुरू किया था। तो हम लोग ये हिंदुस्तान में हम सब डिसाइड कर चुके हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, मोदी और अमित शाह को पीछे हटना चाहिए। जबकि कोने कोने देश के कोने कोने से ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो लोगों को समझना चाहिए कि ये लोग पीछे हटने वाले नहीं है, तो वो लोगों को ही पीछे हटना चाहिए। जब 1906 में अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के खिलाफ एनपीआर लाया गया था हिंदुस्तानियों को वापिस भेजने के लिए, तो वहाँ महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह रखा था। उस सत्याग्रह रखने से वहाँ की गवर्नमेंट पीछे हट के एनपीआर हटा दी थी। आज महात्मा गांधी के देश में हमको सत्याग्रह बढ़ने की जरूरत है। हम अपने ही देश में आज पेपर बताने की नौबत आ गई है। आप लोग जानते हैं कि दुनिया के हिंदुस्तान के बाहर भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है। हम ये इसको सीएए और एनआरसी को आने नहीं देंगे, और हम जब तक हमारे दम है हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और देखिए, आप रोज दिन ब दिन लेडीज हो, बच्चे हो, जेंट्स हो, यंग बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, पूरे स्ट्राइक्स कर रहे हैं देर देर से। तकरीबन हिंदुस्तान में जॉब्स की जरूरत है, हिंदुस्तान में महंगाई कम करने की जरूरत है। वो लोगों का दिमाग उस तरफ जा रहा नहीं, बस सारी सबको मसरूफ करके बैठे हुए हैं ये लोग। तो मैं मोदी और अमित शाह से कहना चाहती हूँ कि आप लोग ये चीज हटाइए, ताकि सब अपने अपने कामों पर लगे और अपने अपने बिजनेस पे लगे। सब देर देने से ये प्रोटेस्ट चल रहा है ये एनआरसी के खिलाफ, एनपीआर के खिलाफ। तो आप लोग इसको समझ आना चाहिए कि ये चीज होने ही देंगे हम लोग। ये ना सिर्फ हिंदू मुसलमानों का मसला है, ना हिंदुओं का, बल्कि सारे हिंदुस्तानियों का मसला है ये। इसीलिए सब मिलकर हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आगे भी चलता रहेगा ये प्रोटेस्ट, जब तक ये लोग अपना ये फिर से वापिस नहीं लेंगे। मैं आखिरी में इतना कहना चाहूँगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान बनाया है उन्होंने, कि इंशाल्लाह दुनिया जब तक कायम है, जब तक रहेगा, ये हम लोग इसको हटने नहीं देंगे इंशाल्लाह। मैं इतना कहते हुए अपनी जगह लेती हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय भीम।